आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फर्दर इंक्वायरी बाय विदुरा। तो विदुर जी और आगे प्रश्न पूछ रहे, ये एक्चुअली कंटिन्यूटी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या था, फर्स्ट चैप्टर में भी विदुर ही कन्वर्सेशन है, क्वेश्चंस बाय विदुरा। विदुरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। और उसके बाद भी जो है रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड्स पास्ट टाइम आउट ऑफ वृंदावन, और वापस विदुरा अप्रोच मैत्रेय। और फिफ्थ चैप्टर था विदुरा स्टॉक विद मैत्रेय। और फिर मैत्रेय ने ये जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फॉर्म बताया, और अभी ये फर्दर इंक्वायरी, क्या बोले हम? ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर से ही ये कंटिन्यूटी है। विदुरा मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे आज का फर्स्ट श्लोका में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं विदुर जी, कहाँ गया मेरा, आज का जो फर्स्ट है श्लोका, उसमें भी यही है कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि किंग वाइल मैत्रेय द ग्रेट सेज वॉज द स्पीकिंग, विदुरा द लर्न सन ऑफ वैद्यपान व्यास एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट इन द प्लेजर मैनर बाय आस्किंग हिज क्वेश्चंस। तो ये कन्वर्सेशन मैत्रेय मुनि और विदुरा के बीच में है। सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं किसको, परीक्षित महाराज को। तो सीन ये है, बता सुखदेव महाराज जी रहे हैं कि विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। और वो भी कैसे, एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट इन अ प्लेजर मैनर, प्लीजिंग मैनर, सॉरी। तो ये भी एक हमें सीखना है कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए। भागवतम और भगवद गीता एक्चुअली इज ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चन आंसर। भगवद गीता में भी अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्णा से क्वेश्चंस, तभी उनको ज्ञान मिलता है। जैसे सेकंड चैप्टर के सेवन श्लोका में कार्पण्य तो सो प्रत स्वभाव पृच्छामितम समूढ़ चेता यस्यचेतसा सन्निधिः, तो ये उनको सरेंडर करता है अर्जुन भगवान को, कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे लिए क्या सही है गलत है, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपको एज अ शिष्य आपकी शरण आ गए। तभी फिर आगे वो भगवत गीता शुरू हुई, तब तक तो उसका रोना धोना ही था। वैसे भागवतम में भी नैमिषारण्य के ऋषिगण सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, सुखदेव महाराज को परीक्षित पूछ रहा है, शिव जी को पार्वती पूछ रहे हैं। तो समझना यह है पॉइंट कि पूछने से हमें ज्ञान मिलेगा, तो प्रश्न करने चाहिए, है ना। प्रश्न पूछेंगे तभी ज्ञान आएगा, मन में डाउट रखेंगे तो फिर क्लियरिटी नहीं होगी हमारी, तो भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, तो भगवान की भक्ति भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कोई भी डाउट है तो प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे ये विदुर जी भी सवाल कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और एक्चुअली मैत्रेय मुनि को कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन दे के गए हैं। यहाँ धराधाम से जब भी वो गए, तभी उनको बता के गए थे कि विदुर आएगा तो उसको ये ज्ञान आप देना। तो विदुर भी प्रसन्न है कि अंत समय में भगवान ने मुझे याद किया था, है ना। आपने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा ना ऑलरेडी। हाँ, तो ये सीन है। तो अभी विदुर पूछ रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन श्लोक में, यही क्वेश्चन है उनका। विदु ने कहा, हे महान ब्राह्मण, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं, और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इन जनरल भी लोगों का ये सवाल हो सकता है ना। ये भगवान जैसे अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी, सब कुछ वो ही करते हैं फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं,
सब उनकी एनर्जी के द्वारा हो रहा है, जैसे परपट में भी हम प्रभुपाद ने समझाया है। तो भगवान एक्चुअली उनकी शक्तियां काम करती है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है और बहिरंगा शक्ति है भौतिक जगत में काम करती है। तो इसलिए है उनके ही इंस्ट्रक्शन का वो फॉलो करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं करते हैं। लेकिन जब भी लीला करते हैं तो भी हमें लगता है कि साधारण मनुष्य के जैसे वो सारी सब कुछ वो ही कर रहे हैं। तो साधारण लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो भगवान को भी साधारण ही समझते हैं कि भगवान जो लीला कर रहे हैं, जैसे कृष्ण का पास टाइम है तो कैसे मक्खन चोरी की लीला कर रहे हैं, वस्त्रहरण की लीला कर रहे हैं, तो ये साधारण लगता है लोगों के, भगवान ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, है ना। वो तो साधारण लड़के के जैसे ग्वाल बाल सखा के जा गैया चराने जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो ये सब साधारण ऐसे लगता है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ी तो भगवान ने अपनी लीला है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, अपना ऐश्वर्य भी दिखाया। जैसे 7 साल के बच्चे ने अपने उंगली पे छोटी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन को उठा लिया, है ना। पुतना को मारा, अघासुर गासुर इतने सारे असुरों को मारा, तो ये बताता है कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, है ना, ये कोई सुप्रीम है। साधारण बच्चा ऐसे थोड़ी कर सकता है। इवन उनके जन्म के समय भी वो पूरे ऐश्वर्य में वो प्रकट हुए थे, है ना। तो इसलिए कोई लोग नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं भगवान है तो उनका जन्म कैसे हुआ, भगवान का तो जन्म नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। जब भी प्रकट हुए तो नारायण के रूप में पूरा ऐश्वर्य के साथ आए थे। और जैसे बताया यहाँ उनकी एनर्जी काम करती है, उससे जब भी उनका जन्म हुआ तभी सारे द्वारपाल और सब लोग को कैसे वो निद्रा में माया देवी ने सबको सुला दिया, और वासुदेव उनको टोपरी में लेके गोकुल में उनको छोड़कर आए। तो ये उनकी माया देवी ने काम किया ना, भगवान के आदेश पे भगवान ने बोला कि सबको सुला देना है, है ना। तो ये उनकी शक्तियां सब काम करती है, भगवान स्वयं नहीं करते। ये माता यशोदा को भी जब भी मुंह पे पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, जब भी मिट्टी खाई, बच्चों ने बोला कि भगवान ने मिट्टी खाई, तो माता ने बोला कि मुंह खोल के दिखाओ, तभी पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। और वो देखने के बाद माता यशोदा एकदम स्तब्ध हो गई कि ये क्या मैं मुंह में देख रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ। और वो दिखाने के बाद भगवान ने माया देवी को यही बोला कि यशोदा मैं आपको ये सब भुला देना, नहीं तो वो मेरे को भगवान करके मेरे को पूजा करने लगेगी, मैं इसलिए ये जन्म नहीं लिया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि माँ और बेटे का जैसे वात्सल्य भाव हो, उस तरीके से मैं उनके साथ अपना लीला करूँ। तो वो माया देवी ने सब कुछ फिर यशोदा मैया को बुला दिया, है ना। तो ऐसे भगवान की शक्तियां है जो यहाँ पर काम करती है, स्वयं भगवान के इंस्ट्रक्शन पे। ये भौतिक जगत भी दुर्गा माता के अंडर है, जैसे जेल में जेलर रहते हैं सब कैदियों की देखभाल करने के लिए, यहाँ भी उदाहरण दिया है ना वो जेल का, कि प्रिजनर में अगर वो आएगा गवर्नमेंट तो उसको कोई रूल्स नहीं लागू पड़ता है, लेकिन कैदियों को सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो जेलर को कुछ नियम नहीं लागू करने होते, क्योंकि ये उन्हीं ने बनाए हैं, तो ये कैदियों के लिए बनाया, उनके लिए नहीं, है ना। गवर्नमेंट भी सिग्नल बनाया है रेड ग्रीन और येलो, वो जनरल पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी, प्रेसिडेंट का कार पास होगा तो उसको सिग्नल नहीं फॉलो करना है, वो तो ऐसे ही जूम चले जाएगी। तो ऐसा है ये भौतिक जगत, ये 3 गुणों के ऊपर है, इवन सतो गुणों से भी ऊपर, उनको कोई भी ये रजो तमो सतो गुण कोई उनको इफेक्ट नहीं करते।
अगर वो लीला करने आते भी है तो ये सबसे ऊपर है, उनको कुछ इफेक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ जादूगर का एक एग्जाम्पल बताया है कि मैजिशियन है, वो भी कैसे अपनी टेक्निक से सब जादू दिखाता है, अपने को देखने में वो रियल लगता है, पता भी नहीं चलता है। जैसे यहाँ बता कि गाय गाय वो बना ऐसे जादू से गाय को प्रोड्यूस कर देगा, हाँ, लेकिन गाय वैसे तो रियल में ही हमें गाय ही दिखेगी, लेकिन वो मायावी है, हाँ, सच में तो एक्चुअली नहीं है गाय, लेकिन फिर भी उसने जो प्रोड्यूस किया वो तो एक्चुअली दिखने में तो सच्ची गाय के जैसे ही दिखती है, हाँ, तो वो हमें बिवाइल्डर कर देती है, हाँ, कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा ही है भगवान की, ये भौतिक जगत में भगवान सारे लीलाएं करते हैं, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, ब्रह्म जगत भी सत्य ही है क्योंकि भगवान का ही बनाया हुआ है, हाँ, तो वो असत्य कैसे हो सकता है, ब्रह्मा सत्य है तो जगत भी सत्य ही है उनका, भौतिक जगत। लेकिन आध्यात्म जगत और भौतिक जगत में फर्क है, जीव और परमात्मा में फर्क है, तो वो ही यहाँ विदुर जी क्लियर करना चाहते हैं इन जनरल लोगों के लिए, हाँ, कि ये कॉमन क्वेश्चन सबका होता है कि भगवान और हमारे में क्या फर्क है, वो भी तो ऐसे ही, उनके भी तो दो हाथ पैर है, हाँ, लेकिन उनका आत्मा और परमात्मा ऐसे नहीं है, वो पूरा शरीर उनका परमात्मा ही है, हाँ, हमारा जैसे हम पंचभूत का शरीर है, हाँ, और आत्मा है और परमात्मा है, लेकिन भगवान का शरीर पंचभूत का नहीं है, वो पूरा होल है, मतलब पंचभूत जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, मतलब मृत्यु नहीं होती है उनकी ना, तो वो दिव्य है उनका शरीर, पंचभूत का बना नहीं है, वो हमेशा रहते हैं, पहले भी रहे थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, हाँ, और हम लोग शरीर बदलते रहते हैं तो सब भूल जाते हैं, तो ये फर्क है। इवन भौतिक जगत भी यहाँ सब टेम्पररी है, जबकि आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है हर चीज, तो ये वहां मतलब सूर्य का प्रकाश ऐसे वो एफ्यूजन इतना है भगवान के धाम का कि 1,000 सूर्य जमा हो जाए और कैसा प्रकाश आता है, उतना प्रकाश होता है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, वहां सनसेट सनराइज नहीं होता है, हाँ, जैसे भौतिक जगत में सूर्य आता है तभी प्रकाश आता है, फिर सेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो वैसे तो, लेकिन वैसा आध्यात्म जगत में नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी अपनी स्तुति में पूरा आध्यात्म जगत का वर्णन किया है, हमने भगवद गीता में भी पढ़ा है, तो ये भगवान की हर चीज दिव्य है, और शाश्वत है, भौतिक जगत टेम्पररी है, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सृष्टि की, और आफ्टर सम इयर्स उनका एक दिन खत्म होता है, जब भी उनकी रात्रि आती है तो वापस प्रलय हो जाता है, और वो प्रलय हो जाने से के बाद सब लोग विष्णु के अंदर चले जाते हैं, और सब कुछ समय तक पॉज रहते हैं, और फिर जब भी ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आता है तभी सब लोग अपने कर्म के अनुसार वो ब्रह्मा जी से वापस प्रकट होते हैं, तो ऐसे प्रकट होते हैं उस समय विलीन हो जाते हैं और फिर वापस प्रकट होते हैं, तो ये भौतिक जगत ऐसा है, टेम्पररी है, जबकि भगवान का आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इन जनरल ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि लोग समझ पाए कि भगवान कोई साधारण नहीं है, उनकी शक्तियां काम करती है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, योग माया, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही हर कार्य, ये उन्हीं के कारण कारण माँ जी बता रहे हैं ना।
माता जी, यू आर ऑन म्यूट माता जी। म्यूट में, म्यूट में। यस, हो नहीं रहा था, शायद आपने सबको अनम्यूट कर दिया होगा। सॉरी, वापस डिस्कनेक्ट हो गया। तो कहां तक सुना? वेर आई वॉज? हरी बोल। भगवान का योग माया है, भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, अशाश्वत है माता जी। उसके बाद तो काफी कुछ मैंने बताया। ओके, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो इन सारांश में मैंने ये बताया, परपट का ये। तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, विदुरा इज क्लियरिंग द मिसकंसेप्शंस दैट व्हेन द लॉर्ड आइदर डिसेंड्स ऑन द अर्थ in his incarnation or appears himself, will all his potencies he too is subjected to the influence of Maya, just like an ordinary living entities. तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन क्लियर यहाँ किया जा रहा है विदुरा के क्वेश्चन से। Yes, anybody want to add or ask? अरे वो समझा कि नहीं समझा? कोई कुछ बोल नहीं रहा। नहीं माता जी, समझ में आ गया। समझा माता जी। मैंने जस्ट समराइज किया इन शॉर्ट, बहुत शॉर्टकट में मैंने बताया। समय हमारा लिमिटेड है, 9 बजे स्टॉप करना है, राइट? 9:05 हो गया तो आई जस्ट स्टॉप।